नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉट प्रतिस्पर्धा में। बहुत सारे लोग जो लोग पीएम विश्वकर्मा का ट्रेनिंग लिए हैं किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से, तो उसको इस तरह का एक ई वोचर मिला होगा। आप लोग डाउनलोड करके रख लिए होंगे ई वोचर। तो अब आप लोग जानना चाहते हैं कि ई वोचर जो हमको मिला है उसका हम यूज कैसे करें। तो अभी हम अपना ट्रेनिंग सेंटर में है जहाँ पर हमारा पीएम विश्वकर्मा का ट्रेनिंग चलता है। अभी फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन पहले चलता था, कुछ दिन के लिए अभी बंद है क्योंकि हम लोग का अभी पर्सनल काम चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा का जो हमको ई वोचर ये मिला है इसका हम यूज कैसे करें। तो आज हमने जो है पीएम विश्वकर्मा का जो टीम है उनसे हमने बात करी है और उन्होंने बताया है कि ये जो ई वोचर आपको मिला है, इस ई वोचर को ध्यान से देख लीजिए। इस ई वोचर को आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इसको जो है प्रिंट निकाल के रख लेना है। इस तरह से प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा। अगर प्रिंट नहीं भी निकालते हैं तो पीडीएफ में जो आपका डाउनलोड होता है उस पीडीएफ को आप जो है डाउनलोड करके केवल रख लीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी यूट्यूब में बहुत सारे लोग एक वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि भीम यूपीआई आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग भीम यूपीआई अभी यूज मत कीजिए। अगर आप भीम यूपीआई चलाने नहीं जानते हैं तो इंस्टॉल मत कीजिए, उसमें जो है आपको जोखिम हो सकता है कोई भी आपका, क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक रहेगा, अकाउंट से लिंक रहेगा। आप जैसे ही आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भीम यूपीआई में डालेंगे तो वो आपका भीम यूपीआई चालू तो हो जाएगा, वहां पर पैसा आपको दिखाएगा, लेकिन आप भीम यूपीआई के थ्रू इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका जो ये ई वोचर है ये आपका तब यूज होगा जब आपके घर टूलकिट आएगा। आज मैंने टीम से बात करी है तो उन्होंने बताया है कि आपने जो टूलकिट सिलेक्शन जो आपने किया, टूलकिट जो सेलेक्ट किया, सेट ए या सेट बी, जो भी आपने टूलकिट ई वोचर जो आपने सेलेक्ट किया है पोर्टल में पीएम विश्वकर्मा के साइट में, तो जो भी सेट आपने सेलेक्ट किया है वही सेट का सारा सामान आपको मिलेगा। अपने आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस पे आपका टूलकिट आ जाएगा। इसमें जो आपका वैलिडिटी दिया हुआ है, जैसे जो भी आपके पास ई वोचर है उसमें साइड में यहाँ पर वैलिडिटी दिया हुआ है, तो जो भी वैलिडिटी है उससे पहले आपके घर टूलकिट आ जाएगा। टूलकिट जब आएगा तो जो टूलकिट लेकर आएगा, जो डिलीवरी बॉय टूलकिट लेकर आएगा, वो आपसे ये ई वोचर बोलेगा कि दिखाइए आपके पास जो ई वोचर है वो दिखाइए। ये आप ई वोचर उसको दिखाइएगा डिलीवरी बॉय को, और उसके पास एक स्कैनर होगा, उस स्कैनर से इसको ये स्कैन करेगा और स्कैन करके आपका ये पेमेंट जो है वो ले लेगा और आपको टूलकिट दे देगा। बस इतना ही है, कोई भी भीम यूपीआई आपको अभी इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपको देखना है कि आपको ई वोचर मिला है कि नहीं तो आप भीम यूपीआई इंस्टॉल करके देख सकते हैं, लेकिन जब आपको ये ई वोचर मिल गया है, आप इसे डाउनलोड कर लिए हैं, तो फिर आपको जो है भीम यूपीआई डाउनलोड करने का भी जरूरत नहीं है। केवल इसको रखे रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी जगह पर कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपके घर ये सामान आ जाएगा, जो वैलिडिटी दिया हुआ है उस वैलिडिटी के अंदर आपके घर सामान आ जाएगा। जब सामान आ जाएगा तो जो डिलीवरी बॉय होगा उसको केवल ये ई वोचर आप दिखा दीजिएगा, आपको टूलकिट मिल जाएगा, उसको इस वोचर से पैसा मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम जहां पर मेरा ट्रेनिंग चलता है वहीं पर अभी हम हैं, और टाइम नहीं मिलता हमको वीडियो बनाने का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज था इसलिए मैंने जो है आप लोग को बता दिया है। अब आप लोग पैनिक मत होइए, और जो मैंने टीम से बात करी है अभी मैं वो रिकॉर्डिंग भी आप लोग को सुना देता हूँ कि क्या मैंने बात करी है टीम से। तो अभी आप जो वो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए साइड में क्या है। और पीएम विश्वकर्मा से रिलेटेड अगर आपको ये ई वोचर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो जब खत्म होगा तो उस समय मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा अपना पीएम विश्वकर्मा का, सारे प्रॉब्लम का मैंने एक एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखा है, आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपका होगा पीएम विश्वकर्मा टूलकिट अप्लाई करने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसका सॉल्यूशन आपको जो है उस वीडियो में मिल जाएगा। सर एक जानकारी चाहिए था, पीएम विश्वकर्मा में ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग को एक ई वोचर मिला हुआ है, सर उसका यूज कैसे करें, सर यही जानना था। मैं आपको इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा, सहायता करूंगा। आपको ये कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो मैं आपको बोलूंगा सर आपका ट्रेनिंग होने से पहले आप टूलकिट सिलेक्ट किए थे? जी जी सिलेक्ट किए थे। ठीक है, अभी आपके पास जो टूलकिट आया है वाउचर, ठीक है, वो आपके पास रखिए। अपने फोन पे भीम यूपीआई ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वो एप्लीकेशन के भीतर वाउचर सेक्शन में जाएंगे। जाने के बाद आप देखेंगे 15,000 का ई रूपी वाउचर शो करेगा आपका इनएक्टिव में। ठीक है, तो इनएक्टिव में अभी रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। आपके पास
ऑपरेटर आएगा, टूल किट ऑपरेटर आएगा सामान लेके इंडिया पोस्ट के माध्यम से। अच्छा। सामान लेके आएगा, आपका डिलीवर करेगा, तब वो आपको बोलेगा स्कैन करके वाउचर को भेजने के लिए, अब स्कैन करके भेज देना, आपको सामान मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मतलब ऑपरेटर कहाँ आएगा सर? घर आएगा आपके? घर पे, आधार में जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस पे। अच्छा, मतलब अभी हम लोग को मतलब कुछ नहीं करना है ना, जैसे कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह से कोई कॉन्टेक्ट नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए सर? नहीं नहीं, इतना ही जानकारी चाहिए था सर। मतलब अभी भीम UPI अगर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो क्या वाउचर पेमेंट नहीं होगा मेरा? नहीं, अभी आप पेमेंट आपको मैं इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि भीम UPI ऐप ही आप यूज कर पाएंगे फिलहाल अभी के लिए। अच्छा, नहीं अगर भीम UPI मेरा नहीं चला तो वो QR कोड जो ऑपरेटर आएगा तो वो उसको स्कैन करके ले लेगा, उनके पास भी स्कैनर होगा। ठीक है, मतलब भीम UPI अगर इंस्टॉल नहीं भी करेंगे तो मेरा चलेगा, खाली हमको वो QR रखना है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।